जब तक आप स्टैट्स का ऑप्शेसन ख़त्म नहीं करोगे तब तक आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे बारह साल हो गए भारत को वर्ल्ड कप जीत जीते हुए और वो रीज़न सिर्फ ये है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली इट्स अ वेरी बेटर ट्रूथ आ मीडिया आ ब्रॉडकास्टर मोर इम्पॉर्टेंट सोशल मीडिया एंड इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है ब्रॉडकास्टर का अगर ब्रॉडकास्टर बिकम्स अ पी मशीनरी फॉर सर्टन इंडिविजुअल्स then you will never get the desired results broadcaster you know about the people who broadcast the matches absolutely. those people yeah, okay. absolutely absolutely मुझे आप एक चीज बताइए आप एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में 15 लोग हैं hmm. 15 लोग उतनी ही मेहनत करते हैं उस ड्रेसिंग रूम में बैठने के लिए 15 लोग उतनी मेहनत पसीना बहाते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए लेकिन अगर एक ब्रॉडकास्टर सिर्फ एक या दो इंडिविजुअल्स की पी आर मशीनरी बन के रह जाएगा तो बाकी तेरह शायद वो ओपनली ना बोल पाएँ लेकिन अंदर उनको क्या फील होगा सबसे बड़ा गुना ये है कि किसी की मेहनत का क्रेडिट किसी और को दिया जाना हमारे यहाँ पर पिछले बहुत लंबे समय तक यही होता है और आप जब भी बात करो तो ये बोला जाता है कि हमारे को नंबर्स नहीं मिलते अगर आपको नंबर्स नहीं मिलते तो फिर आपको कोई ये भी नहीं कहता कि आप इतना ज़्यादा पैसा दीजिए मैचेस स्कोर टेलीकास्ट करने का अगर आप ब्लीड कर रहे हैं तो इसमें खिलाड़ियों की प्रॉब्लम नहीं है खिलाड़ी पूरा डिजर्व करते हैं कि उनके परफॉर्मेंस का जो कि अप्रिसिएशन जो है जो उनका क्रेडिट है वो उनको देना चाहिए और उनको मिलना भी चाहिए मेरा एक और टेक है इसमें कि कोई आदमी जिसके जिसने कभी क्रिकेट बैट नहीं पकड़ा जिसने कभी एक लाख लोगों के सामने खड़े होके वो प्रेशर नहीं हैंडल किया जिसने कभी क्रिटिसिज्म नहीं झेला वो एक एसी कमरे में बैठ के उसके पास मशीनरी है किसी को ब्रांड बनाने का या ब्रांड नहीं बनाने का वो डिसाइड करता है कि मुझे ना उन दो तो लोगों में ये लड़का ज़्यादा पसंद है तो मैं आज इसको ब्रांड बनाता हूँ अपनी पूरी मशीनरी इस पर लगाता हूँ दूसरे पर नहीं तो बाकी वो जो चौदह खिलाड़ी हैं उनका क्या क्या आप इस तरीके से और फिर आप कहते हो कि आप स्टेक होल्डर और इंडियन ऑफ इंडियन क्रिकेट यू आर नॉट अ स्टेक होल्डर ऑफ इंडियन क्रिकेट बाय एनी सेंस ऑफ मीन ऑफ बाय एनी मीन्स यू आर ओनली अ बिजनेसमैन

सबको राइट right देना चाहिए सबको इक्वली वैल्यू करना चाहिए सिर्फ एक या दो इंडिविजुअल्स को नहीं शायद कोई बाहर आके नहीं बोल पाएगा हमारे यहाँ आजकल क्या होने लग गया आप ये आई थिंक आई एम गोट गेट अ लॉट ऑफ फ्लैग फॉर दिस कि लोग माइक पकड़ के कुछ बोलते हैं माइक नीचे रख के कुछ और बोलते हैं आज सबसे बड़ी चीज़ के आज आप किसी को नहीं भी लाइक करते लेकिन आपको उसके बारे में इसलिए सोशल मीडिया पे बोलना पड़ता है क्योंकि आपको फॉलोअर्स चाहिए सोशल मीडिया डिसाइड करती है आपके फॉलोअर्स डिसाइड करते हैं कि आपको कितनी कितना क्रेडिट मिलना चाहिए कितना क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए दिस इज़ नॉट राइट दिस इज़ नॉट हाउ यू विल गो ऑन टू विन द वर्ल्ड कप्स दिस विल नॉट हैपन जब तक हम पंद्रह या फिर वो जितने खिलाड़ी उस ड्रेसिंग रूम में हैं सबको एक लेवल पे एक इक्वल लेवल पे नहीं देखेंगे तब तक हम जितना मर्ज़ी बात कर लें जितना मर्ज़ी कहते हैं इंडिया बारह साल से वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीता आईसीसी ट्रॉफ़ीज़ क्यों नहीं जीती ये जवाब सिर्फ़ उन खिलाड़ियों ने नहीं देना ये जवाब इस सवाल का जवाब मीडिया से लेके ब्रॉडकास्टर से लेके सोशल मीडिया से लेके मेरे जैसे एक्सपर्ट्स से लेके नॉर्मल पब्लिक से लेके सबको देना है कि क्या हम इंडिविजुअल ऑफसेस्ट नेशन है या टीम ऑफ ऑफसेस्ट नेशन है जब हम टीम ऑफसेस्ट नेशन हो जाएंगे ना तब इंडिया आईसीसी ट्रॉफी जीतेगा और वर्ल्ड कप जीतेगा और बहुत जल्दी जीतेगा लेकिन माइंड सेट शिफ्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट